हेलो चैंपियंस, वेलकम टू करियर डॉट। दिस इज आशीष एंड वी आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स फ्रॉम वेक्टर्स क्लास 11 फिजिक्स। ओके, सो हमने क्या किया था लास्ट 2-3 लेक्चर से, हम क्या कर रहे हैं, रिजल्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और वेक्टर्स से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए। होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्या हो गए हों, क्लियर हो गए हों, है ना। और भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि अच्छे से अच्छे पूरा बेस आपका जो वेक्टर्स रिलेटेड है वो क्या हो जाए, एकदम कॉन्सेप्ट एकदम 100% क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है, जिससे आपका जो फिजिक्स न्यूमेरिकल की डर है वो क्या हो जाए, गायब हो जाए, है ना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन इज, व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटीज 1.6 मीटर पर सेकेंड यू ईस्ट एंड द अदर इज 8 मीटर पर सेकेंड यू नॉर्थ। तो वेलोसिटी दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में, है ना, एंड यू नॉर्थ कितना दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड, नॉर्थ में दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल है, ठीक है। ये रिजल्टेंट इनका अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ क्या होता है, सेम ऑर्डर में वेक्टर्स होने चाहिए और उसके ऑपोजिट ऑर्डर में क्या, ऑर्डर में क्या होता है, रिजल्टेंट होता है, ठीक है। आप इसके लिए चाहो तो पैरेललोग्राम लॉ भी अप्लाई कर सकते थे। आप क्या कर सकते हो, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग कर दो नॉर्थ वाले की, ये पैरेलल शिफ्टिंग होगी, 10 से 10 मिल गया। अब क्या करो, आप क्या करो, पैरेललोग्राम ड्रॉ करो और उसका रिजल्टेंट क्या होगा, उसका डायगोनल क्या होगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो आप ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, बहुत सेम थिंग, ठीक है। चलो इसमें भी देखो, दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री है, तो दोनों सेम है, जैसा सॉल्व करना चाहे वैसा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है हम, तो दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, v1² + v2² क्योंकि वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, v1² + v2² + 2v1 v2 cos 90 डिग्री, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। तो ये वाला टर्म आपका क्या हो गया बच्चों, जीरो हो गया। उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था मैंने, है ना, कि जब भी 90 डिग्री हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, r के लिए ये हो जाता है। हमको पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत है ही नहीं अगर 90 डिग्री है तो, ठीक है। तो v1² + v2² मतलब 6² + 8² कितना आएगा, ये हो जाएगा 36 + 64, तो ये हो जाएगा √100। तो इसका मतलब r इज इक्वल कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। अब इसके लिए क्या करो, डायरेक्शन फाइंड आउट कर लो कि वो क्या कर रहा है, अल्फा एंगल फाइंड आउट कर लो, डायरेक्शन फाइंड आउट करो कि कितने डायरेक्शन से वो क्या कर रहे हैं, रिजल्टेंट उसका जा रहा है ना। ये हमारा v1, ये हमारा v2। tan अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, b sin 90 डिग्री, थीटा होता है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, a + b, यहाँ पे b मतलब v2, a मतलब v1, b मतलब v2, cos 90, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो इसलिए ये वाला टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आपको cos 90 की वैल्यू होती है 1, तो v2 कितना है हमारा 8 है, और v1 कितना है 6, तो 2 4 जा 2 3 जा, tan अल्फा इज इक्वल टू 4/3। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि 4/3 वाला कुछ कॉन्सेप्ट बताया था कि आप क्या कर लो, tan अल्फा मतलब ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर में 4 की वैल्यू 4 बोल रहे हैं और बेस की वैल्यू कितना बोल रहा है 3, ये हमारा क्या रहता है हमेशा 5 रहता है, तो ये एंगल कितना होगा बच्चों, कमॉन फास्ट कमेंट करो, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ये कितना होगा 53 डिग्री होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना मिल गया 53 डिग्री, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 होता है तो 53 डिग्री सामने देख लो ना बच्चों, एंगल के सामने वाली साइड अगर एंगल बड़ा है तो सामने वाली साइड भी क्या होगी, बड़ी होगी, मतलब 53 डिग्री है तो ये 4 होगा, अगर 37 डिग्री है तो ये 3 होगा, ठीक है। ये 4 है तो ये 3, ये 3 है तो ये 4। कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, बेसिक ट्रिक है, बढ़िया ट्रिक है, अब याद रखो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इजी और बेसिक क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं हम सॉल्व कर रहे हैं, और थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं हमने, है ना, जिससे आपको क्या हो जाए, जो है कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए।
क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज सेम क्वेश्चन नंबर टू, एट व्हाट एंगल डू द टू फोर्सेस, टू फोर्सेस है एफ वन है हमारा पी प्लस क्यू और एफ टू है हमारा वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू, ठीक है ये गिवन है हमको दो फोर्सेस हैं। अब इनको क्या बोल रहा है, एट व्हाट एंगल डू द फोर्सेस रिजल्टेंट इज, इन दोनों का एंगल मैंने बीच का एंगल फाइंड आउट करना है जब इसका रिजल्टेंट कितना आ रहा है 3p² प्लस q² कितना रिजल्टेंट आ रहा है यही है ओके तो इन दोनों बीच का रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले r इज इक्वल टू पता है क्या होता है p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा यही होता है। अब अगर मैं r में यहां पे पुट कर दूं, r हमको गिवन है कितना 3p² प्लस q² गिवन है, ठीक है तो इधर p की वैल्यू कितनी हो जाएगी p प्लस q होल स्क्वायर हो जाएगी, q की वैल्यू कितनी हो जाएगी p माइनस q होल स्क्वायर हो जाएगी प्लस 2p प्लस q एंड p माइनस q एंड cos थीटा, क्लियर है बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा 3p² प्लस q², ठीक p² p प्लस q होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा p² प्लस q² प्लस 2pq, इसके लिए a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे p² प्लस q² माइनस 2pq है ना। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है 2 × a² माइनस b² मतलब p² माइनस q² हो जाएगा इंटू cos थीटा, समझ में आया बच्चों 2pq सेम क्वांटिटी बट डिफरेंट इन नेचर देयरफॉर इट विल बी कैंसल आउट, तो आपको क्या हो जाएगा p² प्लस p² 2p² हो जाएगा q² प्लस q² प्लस 2q² हो जाएगा है ना। यहाँ पे मिल जाएगा आपको 2p² माइनस 2q², अच्छा इनके साथ cos थीटा भी रहेगा तो cos थीटा भी लिख देते हैं या फिर इसको आप क्या करो ब्रैकेट में लिखो cos थीटा, ठीक है। अब 3p² में से 2p² चलो इनको ट्रांसपोज कर देते हैं तो माइनस 2p² हुआ प्लस q² माइनस 2q² हुआ इज इक्वल टू आपको क्या मिला 2 × p² माइनस q² लिखो या 2 को अंदर इंटू भी कर सकते हो दैट इज योर विश cos थीटा, ठीक है ये बाहर ही रहने दो बच्चों क्योंकि कैंसिल आउट तो होगा नहीं ट्रांसपोज होगा डिवाइड में चला जाएगा वो, ये हमारा cos थीटा ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या मिल रहा है 3p में से p² 2p गया तो कितना बचा p² मिला q² में से माइनस 2q² गया तो मतलब क्या बचा माइनस q² होल डिवाइडेड बाय इसको मैं क्या करूँ इधर ट्रांसपोज करूँ तो इधर क्या बचेगा cos थीटा बचेगा इसको मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो ये हो जाएगा p² माइनस q² तो ये बच्चों ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम है तो आपको क्या मिल जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/2। अब cos थीटा में 1/2 वैल्यू cos थीटा में 1/2 वैल्यू कब होती है जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है 60 डिग्री होती है तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना आया 60 डिग्री दैट इज आवर आंसर, क्लियर है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन था ये नोट इट डाउन फास्ट ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। बेसिक से क्वेश्चन है बच्चों आपको थोड़ा सा ट्रिक्स समझना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करते हैं क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा थ्योरी क्लियर करनी पड़ेगी तो आपको ऑटोमेटिक क्या होने लगेगा बनने लगेगा। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए क्वेश्चंस दो क्वेश्चंस हो गए ना क्वेश्चन नंबर थ्री इज द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर इज 400 न्यूटन। तो सबसे पहले बोल रहा है कि 400 न्यूटन का रिजल्टेंट है किसका टू इक्वल फोर्सेस मतलब F1 इज इक्वल टू F2 जो है वो कितना है P है टू इक्वल फोर्सेस है ठीक एट राइट एंगल टू इच अदर मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री हमको रिजल्टेंट दिया हुआ है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इधर फोर्स है ना मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना। चल मैं पहले बोला हूँ 90 डिग्री होता है तो फॉर्मूला क्या बन जाता है आर स्क्वायर प्लस एफ वन स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर ये हो जाते हैं तो आर स्क्वायर मतलब 400
होल स्क्वायर, एफ वन की वैल्यू कितनी है पी स्क्वायर, एफ टू की वैल्यू कितनी है पी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, 4 टाइम्स 0, ये हो जाएगा 2 पी स्क्वायर, है ना। 2 को अगर ट्रांसपोज करें तो कितना आएगा 8, 4 टाइम्स 0 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 80,000, मतलब 2 0 2 0 का पेयर बन गया और 8 को इधर हो जाएगा पी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 × 2 × 2 × 100 × 100 हो जाएगा, है ना। तो ये 2 का पेयर बना, ये 100 का पेयर बना, तो आपका पी की वैल्यू कितनी आ गई, पी की वैल्यू आ गई कितनी 200√2 न्यूटन। तो आपको फोर्स, एक फोर्स की वैल्यू मिल गई तो दूसरा फोर्स भी वही होगा क्योंकि दोनों क्या है सेम है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सेम क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द वेक्टर व्हिच एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ ए। वेक्टर ए गिवन है हमको, वेक्टर ए कितना गिवन है, आई वेक्टर आई प्लस वेक्टर 4j माइनस 3k कैप, ठीक है। वेक्टर बी गिवन है हमको आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, मॉड नहीं लगाना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो i प्लस i कैप कितना हो जाएगा 2i कैप हो जाएगा, 4j कैप प्लस 2j कैप कितना हो जाएगा 6j कैप हो जाएगा, माइनस 3k प्लस 4k कितना हो जाएगा प्लस k कैप हो जाएगा। तो ये हमको क्या मिल गया, इनका रिजल्टेंट मिल गया। अब ये बोल रहा है कि डिटरमाइन द वेक्टर व्हिच एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस, डिटरमाइन द वेक्टर, तो लेट दैट वेक्टर बी वेक्टर सी, वेक्टर सी हम क्या कर रहे हैं इसमें रिजल्टेंट में ऐड कर रहे हैं, तो हमको आंसर कितना आ रहा है, गिव्स द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है यूनिट वेक्टर दे रहा है, तो जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर मतलब के कैप दे रहे हैं। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करो जो इसके रिजल्टेंट के साथ ऐड करने पर हमको क्या दे रहा है जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर दे रहा है, तो जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर दे रहा है मतलब के कैप दे रहा है, ठीक है। वेक्टर सी फाइंड आउट करना है हमें, वेक्टर सी अज़्यूम किया है, वेक्टर सी आर की वैल्यू कितनी आई है 2i कैप, सबसे पहले क्या करो हमको वेक्टर सी फाइंड आउट करना है, तो वेक्टर आर को मैं क्या कर दूं उधर ट्रांसपोज कर दूं, तो k कैप माइनस वेक्टर आर हो जाएगा। अब वेक्टर आर की वैल्यू पुट कर दो, क्या है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 6 प्लस k कैप, तो वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k कैप माइनस 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस k कैप, तो k कैप विल बी कैंसिल आउट, तो वेक्टर सी कितना आ जाएगा माइनस 2i कैप माइनस 6j कैप। तो ये हमारा वेक्टर है जो किसमें उसके रिजल्टेंट में ऐड करने पर हमको क्या दे रहा है यूनिट वेक्टर k दे रहा है। तो आप ऐड करके देख लो, ऐड करोगे बच्चों इसमें तो माइनस 2i प्लस 2i कैंसिल आ जाएगा, माइनस 6j प्लस 6j कैंसिल आ जाएगा, बच जाएगा क्या k कैप, तो ऑब्वियस ही बात है जेड एक्सिस का क्या दे रहा है वो यूनिट वेक्टर दे रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मजा आ रहा है बच्चे, मजा आना चाहिए और कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी तो मजा आएगा सर, हाँ सही है कि नहीं, तो मजा तो जरूर आएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा होगा, है ना। ओके लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट वेक्टर, सो दैट वेक्टर इन अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। एक वेक्टर दिया हुआ है हमको, मान लो वेक्टर ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.4 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस लैम्डा के कैप, लैम्डा के कैप, तो हमको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जब वेक्टर ए जो है वो कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, वेक्टर ए जो है वो कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, तब हमको क्या करना है लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा, है ना। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा,
तो मैं क्या करूंगा, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं बता चुका हूँ आपको, 0.4 होल स्क्वायर 0.8 होल स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। ठीक, अब क्या करेंगे, स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.4 को मैं क्या कर दूं, 0.4 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 0.16 आएगा, 0.8 का करोगे तो 0.64 आएगा, प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1.64 और 16 कितना होगा, 0.80 होगा, प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1.80 को मैं अगर ट्रांसपोज करूँ तो कितना आएगा, 1 - 0.8 आ जाएगा, 1 - से माइनस करेंगे कितना आएगा, 0.2 आएगा, 0.2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, 0.2 का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तभी लैम्डा की वैल्यू आएगी, है ना। तो ये हमारा लैम्डा की वैल्यू आ गई, यही हमारा क्या है, आंसर है। चाहो तो आप उसका स्क्वायर रूट निकालो, चाहो तो नहीं निकालो, इसका भी आंसर लिखेंगे तब भी चलेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? ठीक, तो ऐसे ही आप क्या करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, डाउट्स निकालो और फटाफट हमको भेजो, ताकि हम आपका सारा न्यूमेरिकल्स का जो डाउट है, फिजिक्स का जो फियर है, वो क्या कर सके, दूर कर सके। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर से और न्यूमेरिकल्स लेकर आऊँगा आपके लिए, और आपका कॉन्सेप्ट नया नया क्लियर करूंगा, ताकि आपका जो डर है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, और आपका कॉन्सेप्ट बहुत 100% क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ओके चैंपियंस, बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।